आंदोलन करे हुए हाथरस में बेटी को इंसाफ दो। हमारी इस मुहिम में ना सिर्फ आम जनता बल्कि कैसे सियासतदान भी आ गए हैं सामने। हालांकि बहुत पूर्ण है समझना कि सियासतदानों के अपने निजी सियासत स्वार्थ सियासी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे आवाम सड़कों पर उतरी ये दिखाया। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे बिहार से पप्पू यादव से लेकर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। एबीपी न्यूज की इस मुहिम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, चाहे बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, हर जगह सवाल यही कि बेटियों की आवाज को दबाने की ये कोशिश आखिर क्यों, और बेटियों के आवाज को दबाने के साथ साथ मीडिया को दबाने की कोशिश आखिर क्यों। क्या कभी आपने सुना इस देश में कभी ऐसा हुआ कि रेप के किसी मामले में मीडिया को सवाल पूछने से रोका जा रहा है? क्या कभी आपने सुना कि रेप जैसे मामलों में पीड़ित पक्ष को मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है? पीड़ित पक्ष के लिए इतनी भारी सुरक्षा, काश की सुरक्षा उस पीड़ित पक्ष को वक्त रहते मिल जाती तो शायद हाथरस में ना ये पुलिस बल होता, ना हम होते, होता तो गाँव में उस बेटी की हंसने की आवाजें होती, उस बेटी की आहट होती। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, पूरी संवेदनशीलता के साथ हम उठाते रहेंगे सवाल, हाथरस की बेटी को इंसाफ कब? ABP News, आपको रखे आगे।